तो शुभम के बल्ले से निकलता हुआ एसएमएस बॉयज का बेहतरीन पैटर्न, खेल दिया सीधा मिडान के ऊपर से आउट ऑफ फार। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 11 रन। अब आए गेंदबाजी के लिए तो देख रहे इस समय दिशा से भटकी हुई गेंद हो सकती है शायद, अंपायर के संकेत आने शेष है और यहां पे खराब गेंद, अतिरिक्त सिंगल और एक 22 के रूप में 2 रन का इजाफा होता हुआ 13 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। पार्थ तो देखना इस समय 13 रन स्कोर कार्ड पर, राइट ओवर द विकेट पार्थ। ओहो हवाई सफर, एक्सीलेंट, सुपर, मैग्निफिसेंट, सीधा आउट ऑफ पार्क। ठीक से इस रन स्कोर कार्ड पर खूबसूरत बल्लेबाजी। ये थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे, स्कीड गेंद बाहर निकलते हुए सिंगल का हिस्सा पास, स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 20 रन। जो ओपनिंग पैर पहले ओवर में थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, अब अपने पैरों को, अपने बैट के ब्लेड को ओपन किया है, अब पूरी तरह से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही खूबसूरत। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 26 ऑन द बोर्ड, खूबसूरत बल्लेबाजी। अब केलवा भरने पड़ा टीम के संकट अब थोड़ा बढ़ता हुआ, अब जीत के जो बेहतरीन बल्लेबाजी का फॉर्म है, जो तूफान है, वो कहीं ना कहीं केलवा टीम के सर के ऊपर मंडराता हुआ, पूरी तरह से प्रेशर में लाने के लिए एक बेहतरीन स्पेल बल्लेबाजी का। ओहो फुल टॉस गेंदी समय ताकत ज्यादा लगा बैठे, मौका जरूर था एक बार फिर बड़े हिट का, लेकिन कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन आपकी ताकत, आपका प्लेसमेंट पूरी तरह से निर्धारित करता है अपने स्किल को दिखाने के लिए। ताकत अगर लगाओगे रबर बॉल में तो जरूर है गेंद आपके बल्ला घुमाने से पहले विकेट कीपर के हाथ में जाके थम जाएगी। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 26 ऑन द बोर्ड, 26 9 गेंदों में हो चुके हैं, 9 गेंदे अभी भी आनी शेष है। तो इसके बाद में धैर्य 11 बनाम सारा 11 उमरोली, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए प्लीज। और यहां पर मिस टाइम, यस नो यस, विकेट का पतन। सारा 11 उमरोली और धैर्य 11, दोनों टीम के कप्तान से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप यहां पर जल्द से जल्द है और अपना एंट्री भी जो शेष है वो भी लेके है, और टॉस के लिए आते वक्त अपना डिसीजन भी साथ लाए प्लीज। तो जीत ने बहुत ही बढ़िया आला परफॉर्मेंस दिया है, तालियों के गूंज के साथ में इस्तकबाल उनका होना चाहिए डगआउट में। अप्रतिम बल्लेबाजी की कुछ झाकियां, कुछ अच्छे क्षणों को उन्होंने हमें दिखाया है, जहां से हम क्रिकेट के प्रति लगाव रखते हैं वो हवाई फायर उनके बल्ले से देखने को मिले, कुछ पल उन्होंने बांटे जो आनंद से भरे है। तो देखने अब आए है इस समय नए बल्लेबाज दीपू, अब आए है दीपू इस समय बल्लेबाजी के लिए। पार्थ वापसी करने के संकेत अपने चाहने वाले को देते हुए, यही क्रिकेट का आनंद है, कभी गेंद और बल्ले के बीच के टकराव रोमहर्षक वातावरण को निर्माण करती है, कभी दिल की धड़कनें तेज करती है, कभी सांसें रफ्तार से चलाने में अहम रोल अदा करती है। यही जो क्रिकेट है जो आपको इस मैदान के तरफ आपके कदम को लाता है, बेहतरीन क्रिकेट। दिलों की धड़कनें अगर तेज हो, सांसें उस रफ्तार से चलती है, दिलचस्प ऐसे खेल में की जीत कभी भी बेहतरीन क्रिकेट की होती है। खूबसूरत ये रहा आउट ऑफ पार्क, व्हाट डिड सी।
धीरे धीरे बढ़ी चली रे ज्योति चिंगारी छोटी चिंगारी। स्कोर कार्ड के ऊपर समय 32-32 रोहित 32 इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। एसएमएस बॉयज पूरी तरह से एसएमएस को जिस तरह से फॉरवर्ड कर रहे हैं वाकई में सुपर मैग्निफिसेंट बल्लेबाजी का है, जबरदस्त झकिया। बार फिर फुल टॉस लेकिन उतनी पार्थ की आला फील्ड। ओवर नंबर दूसरा खत्म होता हुआ और सेकंड राउंड का जो मैच शुरू होने जा रहा है धैर्य 11 बनाम सारा 11 उमरोली टीम के बीच में, उसका टॉस करने के लिए समय रोहित उर्वी प्रोपरेटर इस समय आते हुए। यहां पर हम जरूर चाहेंगे कि आप टॉस करें। स्कोर कार्ड के ऊपर 32 ऑन द बोर्ड। अब आए हैं नए गेंदबाज इस समय आशीष। खूबसूरत डीप एफर्ट्स कर ले और यहां पर नीना क्या से कैच छूटता हुआ। दो रन जरूर मिलेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 34 ऑन द बोर्ड। आशीष बहुत ही बढ़िया जड़ में गेंदबाजी की थी, काउ कॉर्नर में एग्जीक्यूट जरूर किया है। छप्त गेंद को फील्ड करेंगे, बहुत ही बढ़िया थ्रो। सिंगल का इजाफा 35 रन स्कोर कार्ड पर। आशीष आखिरी ओवर में स्लॉग ओवर में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी साल बाद क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। बीच में क्रिकेट को अलविदा किया था लेकिन एक बार फिर इस क्रिकेट के प्रति छपना प्यार है उसको दिखाने के लिए समय मैदान में। बहुत ही बढ़िया इस समय काफी तेज बल्ला जरूर घुमाया था। फाइनल लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल आसानी के साथ में, जब तक गेंद को उठाया जाए दूसरी गेंद मुकम्मल होती हुई रन। 37 ऑन द बोर्ड। लेग बाइज के संकेत फारूक सर की तरफ से मिलते हुए 37 ऑन द बोर्ड। गेंदे आनी शेष है 3, 15 गेंदे 37 ऑन द बोर्ड। पटकी भी गेंदी शॉर्ट गेंदी शॉर्ट अपुल का मौका डायरेक्ट हिट विकेट का पतन डीच से। भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी, और ताड़ा ताड़ी करना नाम नहीं सुधरना घुटने लगा है र चाह तो गजन्ना। ताड़ा ताड़ी करना नाम नहीं सुधरना घुटने लगा है र चाह तो गजन्ना। दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार चिंता ताची 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 ताता ता। तूने मारी एंट्री यार दिल ने बजी घंटी यार चिंता ताची 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 ताता ता। से तो देखना इस समय दो गेंदे आनी शेष है। आशीष स्लॉग ओवर में बढ़िया गेंदबाजी। इस समय मिस टाइम सीत के हाथ में जाके थमती हुई विकेट का पतन बैक टू बैक दूसरा विकेट डिच से। आखिरी गेंद इस समय नए बल्लेबाज यज्ञेश। यज्ञेश इस समय आखिरी गेंद खेलने के लिए मैदान में। सामने इस समय आशीष बढ़िया गेंदबाज है अब तक। खूबसूरत गेंद कवर ड्राइव नजर आता हुआ इस समय एक्स्ट्रा कवर में गेंद ट्रैवल होती हुई दो रन आसानी के साथ में मुकम्मल। 39 ऑन द बोर्ड। 40 रनों का लक्ष्य 18 गेंदों में। चलते डीजे की सुमधुर संगीत की तरफ फिर आएंगे बीच मैदान।
तर आपण या ठिकाणी बघताय की सातपाटी टीमचे जे खेळाडू आहेत टेनिस क्रिकेटचे धनंजय पाटील उर्फ कॅरू या ठिकाणी आलेले आहेत, आपला अमूल्य वेळ या टूर्नामेंटच्या माध्यमातून देत आहेत. त्यांचं शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत की तुम्ही या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी छपला वेळ दिला त्याबद्दल नक्कीच शब्द सुमनाने तुमचं हार्दिक स्वागत. तो बढ़िया मैच है यहाँ पर 40 रनों का लक्ष्य 18 गेंदे खूबसूरत मैच होने के आसार नजर आते हुए ओपनिंग पेयर इस समय मैदान में नेत्रों में सपना इस मैच को जीत के अगले राउंड के पायदान के ऊपर पहुंचना. तो एक तरफ इस लक्ष्य को बचाने की चाहत एसएमएस बॉयज के गेंदबाजों के मन में और दूसरी तरफ इस लक्ष्य को पाने की तमन्ना है जीत और आशीष के बल्लेबाज की धार में. तो देखना है यहाँ पे कौन होगा इस समय इस मैच को जीतने के लिए अपने कदम पहले अग्रसर करने वाला खिलाड़ी. फिलहाल चलते गेंदबाजी के लिए समय अर्चित. तो आए इस समय अर्चित गेंदबाजी के लिए 18 गेंदे 40 रन बचाने का एक जिम्मा फ्रंटलाइन गेंदबाजों के कंधों के ऊपर डालते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि आप पर क्या निभाएंगे. तो देखना इस समय एक बड़ी एम्बिशन इस मैच को जीतने के लिए एक अच्छा एम्बिशियस होना आवश्यक. सामने समय है जीत. तो देखना है पहली गेंद नो के संकेत अंपायर की तरफ से मिलते हुए दूसरी रन का प्रयास और यहां पर नो बॉल के संकेत. तो फ्रीड जरूर मिलेगा इस समय और हवा में जरूर आपको उड़ने का मौका मिलेगा. फिलहाल रन आउट से बचना होगा. चुफरी टीम में 3 रन आए हैं एक्स्ट्रा के. तो देखना इस समय जरूर लिपस्टिक से भटकी है. खराब गेंद के संकेत 4 रन इस समय स्कोर कार्ड के पर. अर्जित को अच्छी लेंथ लाइन को ढूंढना होगा. जब बड़ा मुकाबला हो लक्ष्य अगर आपने रखा हो उस लक्ष्य को बनाने के लिए बचाने के लिए आपको पूरी तरह से अपने स्किल को दिखाना है. समय जब आपको मिला है आपके कौशल्य को दिखाने का तो आपको बेनिफिशियल कॉज में आपको परिवर्तन करना आना चाहिए. एक बार फिर प्रेशर प्रेशर प्रेशर. तो 5 रन इस समय बिना गेंद डाले मिले हैं जो एक्स्ट्रा के आए 5 रन. कहीं ना कहीं केलवा भरने पड़ा के लिए राहत की सांस है कि आने वाले पलों में अगर इस मैच को जीतना है तो ऐसे ही रन आए. और एसएमएस बॉयज के खेमे में जो उनके चाहने वाले हैं वो सोचते होंगे कि अर्चित को लेंथ लाइन जल्दी मिले. ये पहली गेंद बढ़िया गेंद 35 रनों की अभी भी दरकार है. 17 गेंदे आने शेष है. अगर रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो अब 12 का हो चुका है. तो देखना इस समय आवश्यकता इस समय अच्छी लेंथ लाइन की. तो देखना है डॉट गेंद. जिस तरह से मेथड है बल्लेबाज की बल्लेबाजी करने की जिस तरह से क्विक एक्शन में आते हैं तो देखना इस समय अर्चित की नपितुली गेंदबाजी. शुरुआत थोड़ी सी दिशाहीन की थी लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी. डाउन द ग्राउंड खेला है सिंगल जरूर मिलेगा. दूसरी रन की कोशिश आशीष के द्वारा काफी तेज दौड़ते हुए विकेटों के बीच में 2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 7 रन. 7 रन इस समय स्कोर कार्ड पर. सामने समय जीत. जो एक्शन है उनका बल्लेबाजी करने का कहीं ना कहीं जो अपने घुटने को टच करके जो उनको खेलने का प्रयास है. लिग बाइज के संकेत मिले सिंगल का इजाफा हुआ जरूर. 8 रन इस समय स्कोर कार्ड के पर. काफी देर बाद आशीष को मौका मिला है. अब आपने गेंदबाज को किस तरह से रीड किया नॉनस्ट्राइक इन से वो आपको दिखाना है कि हमने आपको पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा है क्योंकि एग्जाम अब आपका चलता हुआ आशीष का.
चिरू ने गेंदी देखी थी नॉन स्ट्राइक गेंद से, अब आए हैं स्ट्राइक इन पर। तो ये बल्लेबाज भी इस गेंदबाज के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हुए, लीग बाइज के संकेत अंपायर की तरफ से सिंगल का इजाफा, 9 रन आए हैं स्कोर कार्ड पर, उनमें से 5 एक्स्ट्रा के आए हैं, यानी कि 5 गेंदों में मैच दिए उन्होंने 4 रन। तो बढ़िया गेंदबाजी, समय रहते वापसी अगर आप करोगे आपका नाम रोशन होगा, आपके नाम को 4 चांद लगेंगे, समय के रहते आपको वापसी करनी है। तो यहाँ पर देखना है जीत आखिरी गेंद के ऊपर क्या लिखते हैं, बड़ा हिट लिखते हैं, ये सीधा आउट ऑफ पार खेलूंगा मैं, डिड से पालखिला नाचन गुलाल उरवन सैताचे मैनान ग सैताचे मैना यहां से अब जो फासला था वो फासला कम हो चुका है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, मंजिल मिली या तजुर्बा यहां पर दिखाना है। यहां पर तो देखना है 12 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता, 12.5 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस समय, आशीष और जीत की बल्लेबाजी किस तरफ चलती है, नए गेंदबाज आए हैं अब गेंदबाजी के लिए यत्नेश, 12 गेंदे 25 रन, यत्नेश बनाम आशीष, 12.5 का जो रिक्वायर्ड रन रेट इस समय, 12.5 तो देखने इस समय खराब गेंद के संकेत, यत्नेश तेज गेंद डालना चाहते थे, ताकत ज्यादा लगाना चाहते थे, बाउंस मिलता हुआ खराब गेंद के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ इस समय 16 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर, अब 12 का रिक्वायर्ड रन रेट इस समय, आशीष बनाम यत्नेश, अच्छी गेंद, छोटा पुल इस समय गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस समय डाउन द ग्राउंड, दूसरी रेत रन आसानी के साथ में मुकम्मल होती हुई, काफी तेज नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, डेंजर गेंद के ऊपर दौड़े थे जीत, 11 गेंदे 22 रन, जो सफर की शुरुआत करते हैं मंजिल को पा लेते हैं, एक बार चलने का हौसला रखे दोस्त, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, 12 गेंदे थी 22 रन, 11 गेंदे अब 11 गेंदे 22 रन की आवश्यकता, यानी कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट, हर एक गेंद के ऊपर 2 रन, अच्छी शॉट ऑफ पुल इस समय काउ कॉर्नर में एग्जीक्यूट किया, सिंगल आसानी के साथ में मुकम्मल, दूसरी रन की कोशिश यहां पर सू सा इड डिड से या कर ले तेरा डोंगरे माझा इन ठन मांडीला लगला बघाया माझा इन गोंधळ मांडीला या तारल्याचे रडोंगरे माझा इन ठाण मांडीला तो देख रहे समय 10 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता, बढ़िया मैच है, जीत और हार के बीच में कड़ा संघर्ष, संघर्ष अगर मैदान में चलता हो तो फिर देखने वाले जो दर्शक है उनका पूरा इंटरटेनमेंट होता है। 10-21
यहां पर मिस टाइम हवा में लहराती हुई दीपू गेंद के नीचे। ओहो दो रन जरूर आए हैं। खराब थ्रो, खराब थ्रो, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, संयम रखना चाहिए। अब नौ गेंदे 18 रनों की आवश्यकता, संयम धीरज जिसके पास है, आत्मविश्वास के नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को आसानी के साथ में पार कर सकता है। अगर आपके पास धीरज है, आपके पास संयम है, तो कठिनाइयां कितना कितनी भी आए आप मैच को जीत सकते हो। नौ गेंदे 18 रन की आवश्यकता, बढ़िया मैच चलता हुआ इस समय। छिगेन सिंगल जरूर मिलेगी, सिंगल के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ। 8 गेंदे 17 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए, और आशीष को एक बड़े हिट की तलाश में निकलना होगा, गेंदबाज को एक डॉट गेंद के लिए। ये पंछी जमीन पे बैठ के आसमान को क्यों देखता है, अपने पंखों को खोल के उड़ान को भर लो, ये दुनिया सिर्फ उड़ान को देखती है। तो देखना यहाँ पे क्या हवाई फायर नजर आएगा। यहां पर मिस टाइम दीपू, ओ माय गॉड क्या अच्छे विकेट का बटन डिज सी। दर्शन दे मुझको अपने चरणों में बाबा, दर्शन दे मुझको अपने चरणों में। सात गेंदे 17 रन की आवश्यकता, यत्नेश 7-17 का मुकाबला, बढ़िया इंटरटेनमेंट किया इस मैच ने। आखिरी गेंद के ऊपर क्या लिखा है, मैच के रुख को तय करेगा आखिरी गेंद, किस दिशा में जा रही है सामने नजर आएगा आखिरी गेंद के बाद। देखना है डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास था, कवर में बहुत ही खूबसूरत फील्ड। अब 6 गेंदे 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही खूबसूरत मैच। 6 गेंदे 16 रन की आवश्यकता, तो देखना इस समय गेंदे 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर को बदलते रहो। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। तो यहां पर देखना है 6 गेंदे 16 रन का जो मुकाबला है, गियर को अब चेंज करने की बारी है। यहां से इंटरटेनमेंट होना चाहिए, यहां से बड़े हिट की तलाश में निकलना चाहिए, और दीपू को नपीतुली गेंदबाजी करनी चाहिए। 6 बनाम 16, बढ़िया क्लास मैग्निफिसेंट मैच मैदान के अंदर। देखने इस समय तैयार होते हुए दीपू बनाम जो बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकिंग के ऊपर, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, खराब गेंद के संकेत। 6 गेंदे 15 रन चाहिए। तो देखना इस समय 6-15 गेंदे 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्लिंग बोल फर्नीचर डिस्ट्रॉय होता हुआ, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक ऑन होता हुआ। चला यानंतर ध्येय 11 विरुद्ध सरायले नुमरई यामध्ये सामना होईल। सरायले नुमरई संघ नानपिता कॉल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि आमंत्रित केलंय ध्येय 11 की त्याने प्रथम फलंदाजी करावी। तर या सामन्यानंतर होणार आहे एक पुढचा सामना, प्रेक्षकांना विनंती असेल कुठेही जाऊ नका, एक मोठा सामना आपल्या भेटीला आहे। तर एक बॅग आम्हाला सापडलेली आहे, जी कोणाची असेल त्याने इकडे ओळख पटवून घेऊन जायचे। धन्यवाद। तो देखना इस समय 5 गेंदे 15 रन की आवश्यकता,
बढ़िया मैच मैदान के अंदर और नए बल्लेबाज देखने इस समय पार्थ जो आया है बल्लेबाजी के लिए, 5 गेंदे 16 रन की आवश्यकता, सॉरी तो देखना इस समय छिस्ट्रोक इस समय सिंगल आसानी के साथ में मिलता हुआ, 3 गेंदे अब चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। यहां से अगर गेंद का आउट आप पार करोगे तो फिर आप मैच में बने रख सकते हो, अगर गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रहती है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। 3 गेंदे 14 रन, कंपल्सरी चेस का जो रूल्स है। ओ हो हो हो, ये गेंद एक बार फिर रुख को चेंज करती हुई, 2 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। रुकना मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है, आज नहीं तो कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है तो। देखना है 2 गेंदे 8 रन, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। बढ़िया मैच मैदान के अंदर, 2 गेंदे 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। आशा और उम्मीद की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, जीत और हार के फैसले की अब बारी आ चुकी है, उत्साह का वातावरण है और बल्लेबाज अब बल्ला लिए मैदान में खड़े, गेंदबाज तैयार है ईश्वर की 5वीं गेंद डालने के लिए। क्या ये गेंद, देखना इस समय यहां पर खराब गेंद के संकेत यानी कि रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझ वर्ग तरतय, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझ वर्ग तरतय, कोणे देशी ने हो कोणे गावी ने हो सांग तुझे मनान काय करतय कोणे देशी। तो देखना इस समय 2 गेंदे और 6 रन चाहिए और आए हैं अब बल्लेबाज जिनकी बल्लेबाजी की क्षमता है, इस खिलाड़ी के अंदर ताकत है, वो हुनर है कि 2 गेंदों में एक बड़े स्लो खेल सकते हैं ये खिलाड़ी। 2 गेंदे चाहिए अब 6 रन, दिल की धड़कनें अब रफ्तार से चल रही है, सांसें अब आगे बढ़ती हुई क्योंकि 2 गेंदों में अब चाहिए 6 रन। दीपू की गेंदबाजी की बात करेंगे, अनुभव उनके पास है लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे कि हम गेंद को आउट ऑफ पार करें। खूबसूरत मैच, इंटरटेनमेंट किया इस मैच ने, दिल पूरी तरह से समय गेंद बहुत ही बढ़िया, इस समय गेंद सिंगल जरूर, दूसरी रन की कोशिश, आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बढ़िया मैच, खूबसूरत मैच, आखिरी गेंद के ऊपर फैसला आता हुआ, तमाम दर्शकों को जो इंटरटेनमेंट किया इस मैच के सभी खिलाड़ियों के मैं तारीफ करूंगा। आखिरी गेंद के ऊपर क्या लिखा है, अगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तो आप बाउंड्री लाइन के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर तो आप बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर तो आप बाउंड्री लाइन के। तो मैच बढ़िया मैच है, यहां पर खूबसूरत एंटरटेनमेंट किया। एसएमएस बॉयज आपके टीम के कप्तान को हम चाहेंगे कि आपका चेक।